दोस्तों, ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर मौजूद है, जिनके अंदर हिंदू धर्म के सभी प्रमुख देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आम भाषा में कहे तो इन मंदिरों से ही देवी देवताओं का स्मरण आता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मंदिरों के बारे में सुना है जिनके अंदर किसी देवी देवताओं की पूजा ना होती हो? जी हाँ दोस्तों, ऐसा होना हर किसी के लिए एक हैरान कर देने वाली बात है। पर हम आपको बता दें, भारत के कई कोनों में ऐसे धार्मिक स्थल और मंदिर भी मौजूद है जहाँ किसी हिंदू धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण पात्रों की पूजा न करके किसी और की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अनोखे मंदिर दिखाने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करके अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो मंदिर हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, भोरमदेव टेम्पल। दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत ही पुराना और रोचक है, जिसमें कई वंशों के राजाओं ने अपने काल के दौरान भव्य और जटिल वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो आज के दौर में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और उन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चोर गांव में स्थित भोरमदेव मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर की हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर कामुक मुद्रा की मूर्तियां बनी हुई है, जिनको बहुत ही सुंदर तरीके से दीवारों के ऊपर बनाया गया है, जो कामसूत्र के विभिन्न आसन को प्रेरित करती है। और इन्हीं कामुक मूर्तियों की वजह से भोरमदेव मंदिर को खजुराहो के मंदिर और सत्यापत्य कला के कारण उड़ीसा के सूर्य मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। साथ ही हम आपको बता दें, इस मंदिर के परिसर में भोरमदेव मंदिर के अलावा भी कई मंदिर मौजूद है जो अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। दोस्तों, बताया जाता है कि इस मंदिर की दीवारों पर बनी इन कामुक मूर्तियों को पुराने समय में यौन शिक्षा की जानकारी देने के लिए बनाया गया था, और इस ऐतिहासिक मंदिर को 1089 ईस्वी में नागवंशी शासक गोपाल देव ने बनवाकर तैयार किया था। नंबर 2, वीजा टेम्पल। दोस्तों, विदेश जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वीजा, और ऐसे में दूसरे देश जाने के लिए किसी भी इंसान को वीजा लगाने की टेंशन रहती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, इस दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां जाने पर आपका वीजा कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। जी हां दोस्तों, हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर को वीजा टेंपल भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यहां विराजे भगवान बालाजी को नारियल चढ़ाने से लोगों को आसानी से वीजा मिल जाता है, जो कि काफी हैरान कर देने वाली मान्यता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, यह बिल्कुल सच है, और हर साल लाखों की तादाद में लोग अपना वीजा लगाने की उम्मीद से इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में अन्य मंदिरों की तरह दान पेटी नहीं होती, हालांकि अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो यहां आकर आपको मंदिर की 108 परिक्रमा पूरी करनी पड़ती है, जो एक प्रकार से भगवान को धन्यवाद देना होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी विदेश जाने के लिए वीजा लगाना चाहते हैं तो आपको एक बार हैदराबाद के इस बालाजी मंदिर में जरूर जाना चाहिए। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर टेम्पल। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को तो हर कोई जानता है, जिन्होंने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े शुभचिंतक बीजेपी नेता और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने सचिन तेंदुलकर का मंदिर भी बनवाया है। और बिहार में बने इस सचिन तेंदुलकर के मंदिर में पूर्व इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और बेहतरीन बल्लेबाज युवराज सिंह की भी प्रतिमाएं बनी हुई है, जिसमें सचिन की मूर्ति 5 फुट 5 इंच की है, जो कि संगमरमर से बनाकर तैयार की गई है। इस मूर्ति में सचिन तेंदुलकर इंडियन टीम की ब्लू जर्सी के साथ हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसे राजस्थान के एक मूर्तिकार ने बनाया है। सचिन तेंदुलकर की इस मूर्ति को 15 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाकर स्थापित किया गया है, और साथ ही मूर्ति को मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए व्यवस्था भी की गई है। नंबर 4, सोनिया गांधी टेम्पल। दोस्तों, यह सुनकर शायद ही आप चौंक जाए, लेकिन तेलंगाना में एक ऐसा अनोखा टेम्पल मौजूद है जिसे सोनिया गांधी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और इस टेम्पल को आंध्र प्रदेश के एक कांग्रेसी नेता ने सोनिया गांधी को तेलंगाना की देवी करार देते हुए उनके मंदिर बनाने का काम शुरू किया है, जहां सोनिया गांधी की 9 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, और स्थानीय कलाकार उनकी इस मूर्ति को बनाने में लगे हुए है, जिसमे वह एक हाथ में पौधा और दूसरे हाथ में फलों की प्लेट को प्रदर्शित करते हुए नजर आएगी। और बताया जाता है कि यह मंदिर आगे चलकर बहुत बढ़ेगा और लोग यहां सोनिया गांधी की प्रार्थना करने के लिए आएंगे। नंबर 5, चाइनीज काली टेम्पल। दोस्तों, कोलकाता के तांगरा एरिया में एक चाइना टाउन है जहां चाइनीज रेस्टोरेंट, जूते की दुकान, ब्यूटी पार्लर सेंचुरी से चलाते आए हैं। यहां एक काली मंदिर मौजूद है जो चाइनीज काली मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो इंडियन और चाइनीज के बीच क्रॉस कल्चर मंदिर है। वैसे तो कोलकाता में बड़ी चाइनीज कम्युनिटी है जो अक्सर हिंदुओं से मेल मिलाप नहीं रखते हैं, लेकिन काली पूजा के दिन यहां के चाइनीज एक दिन की छुट्टी लेकर काली मंदिर में आते हैं, और वर्किंग डे पर भी आपको कोलकाता में तांगरा के चाइनीज यहां मंदिर के सामने जूते उतारकर सिर झुकाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें, इस मंदिर में प्रसाद के रूप में चाइनीज नूडल्स को दिया जाता है। नंबर 6, ओम बन्ना टेम्पल। दोस्तों, यह मंदिर राजस्थान के एक छोटे से इलाके में मौजूद है, जिसमें एक बुलेट की पूजा की जाती है। और इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसा बताया जाता है कि एक बार ओम बन्ना नाम के एक व्यक्ति इस मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उनकी दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। और इस घटना के बाद मोटरसाइकिल को पुलिस वाले उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन रात के वक्त यह मोटरसाइकिल खुद चलकर हादसे वाली जगह पर पहुंच गई। और फिर जब दोबारा इस मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो ऐसा ही वाक्य देखने को मिला, और फिर से मोटरसाइकिल हादसे वाली जगह पर पाई गई। और इस रहस्यमय घटना के बाद लोगों ने इस मोटरसाइकिल की पूजा करनी शुरू कर दी, और इस मंदिर का नाम ओम बन्ना टेम्पल रख दिया।
दोस्तों, आपको इन सभी टेम्पल्स में से सबसे अनोखा टेम्पल कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।